हेलो एवरीवन, दिस इज अंशुमन एंड वेलकम टू राइट वे ट्रेडिंग। स्वागत है आपका हमारे इस ईगल आई व्यू सीरीज के नए एपिसोड में। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ईगल आई व्यू एक ऐसी सीरीज है जहां पे मैं डेली बेसिस पे स्विंग ट्रेडिंग के कुछ अच्छे स्टॉक्स आप लोगों के लिए लेके आता हूं, जो आने वाले समय में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। याद रखिएगा, ये कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो जो आने वाले समय में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है याद रखिएगा ये कोई बाइंग रिकमेंडेशंस नहीं है। ये वीडियोस बस मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाता हूं। तो अगर आपको इन स्टॉक्स में बाई करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद या फिर खुद से एनालाइज करने के बाद ही बाई करें। तो आज का जो हमारा पहला स्टॉक है वो है जेएसडब्ल्यू एनर्जी। जेएसडब्ल्यू एनर्जी को मैंने क्यों सेलेक्ट किया, मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से पहले आपको इस चार्ट का थोड़ा स्ट्रक्चर दिखा देता हूं बड़े टाइम फ्रेम पे। ये देखिए, बड़े टाइम फ्रेम पे ये वाला एक एरिया था 125 का प्राइस, जहां से प्राइस देखिए 2010 में उस एरिया का हाई लगाने के बाद प्राइस कंटिन्यूअसली वहां से फॉल कर रहा था। फिर 2015 के आसपास प्राइस वहीं से आके एग्जैक्ट वहीं से फॉल किया है और उसके बाद देखिए उसने 2021 के आसपास उस एरिया को ब्रेक करा हुआ है। ब्रेक करने के बाद उसने हाई लगाया था कितना का, नियर अबाउट 404 रुपए के आसपास का। ठीक है, 404 का हाई लगाने के बाद अगर मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट दिखा दूं, ये देखिए 404 का उसने हाई लगाने के बाद वो प्राइस कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा था। ये हाई लगाया था उसने 2021 में और उसके बाद वो कंटिन्यूअसली देखिए एक डाउन ट्रेंड लाइन को मतलब रिजेक्शन लेता हुआ वो फॉल कर रहा था। अभी अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मेरी ट्रेंड लाइन मार्किंग थोड़ी सी अलग तरीके से मैंने आज यहाँ पे की है। अगर आप इस एरिया को ध्यान से देखो और ध्यान से समझो मैंने ऐसा क्यों मार्क किया, आपको चीजें दिखेंगी यहाँ पे। ये देखो, यहां से मैंने ट्रेंड लाइन मार्क किया और उसके बाद देखो ये एरिया ब्रेक हुआ। ठीक है, यहाँ पे मैंने मतलब मुझे तो आप बोलोगे कि सर आपने यहाँ से मार्क क्यों नहीं किया, यानी कि मैंने इस तरीके से मार्क क्यों नहीं किया, कुछ इस तरीके से भी मैं मार्क कर सकता था, मैंने इस तरीके से मार्क क्यों नहीं किया मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप यहां से ध्यान से देखो, ये देखो ये एक एरिया ऑफ रिजेक्शन है जहां से एग्जैक्ट हमें रिजेक्शन देखने को मिला है। प्राइस ने उसे ब्रेक किया, उसके बाद देखिए प्राइस अंदर आया, फिर ब्रेक किया, फिर वहीं से रिजेक्शन, फिर उसी के आसपास से रिजेक्शन। और यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे एग्जैक्टली उसी ट्रेंड लाइन के आसपास वीकली टाइम फ्रेम पे प्राइस रुक रहा था और उसके बाद देखिए उसी के आसपास से फिर रिजेक्ट होकर प्राइस नीचे की तरफ फॉल किया है। फर्दर बढ़ने से पहले हम इसका थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस चेक कर लेते हैं। अभी अगर आप यहाँ पे देखें तो इसका मार्केट कैप 55,270 करोड़ के आसपास का है। स्टॉक का पी यहाँ पे 46.2 है और यहाँ पे इंडस्ट्री पी 34.8 है, मतलब इंडस्ट्री से ये थोड़ा ही महंगा है, तो उस हिसाब से ये कुछ खास ज्यादा ओवर वैल्यू मैं ऐसे कंसिडर नहीं करूंगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे 7.29% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे 7.22% का है। फ्री कैश फ्लो यहाँ पे -2152 करोड़ का है। नेट प्रॉफिट एनुअली यहाँ पे 1480 करोड़ के आसपास का है। नेट प्रॉफिट क्वार्टरली यहाँ पे 290 करोड़ के आसपास है। डेट है कंपनी के ऊपर 25,000 करोड़ का और डेट टू इक्विटी यहाँ पे मोर देन 1 शो कर रहा है, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा एक नेगेटिव साइन हो सकता है। प्रोमोटर होल्डिंग अगर आप यहाँ पे चेक करें तो देखिए 74.6% की। अगर हम इसका जाके प्रोमोटर होल्डिंग चेक कर ले, उसके पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। अगर यहाँ पे क्वार्टर्स में आप देखो तो क्वार्टर्स में देखो कंटिन्यूअसली इसके सेल्स ग्रोथ हो रहे हैं। ये देखो इसके सेल्स कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं। पहले 3,026 करोड़ का था, 2,387 करोड़ का यहाँ पे थोड़ा सा डाउनफॉल आया, उसके बाद देखिए 2,248 हो गया। अभी देखिए मार्च 2023 में इसने 2,670 करोड़ के आसपास का सेल किया है और जून में इसने अभी 2,928 करोड़ के आसपास का सेल रजिस्टर किया है। नेट प्रॉफिट भी देखिए यहाँ पे कंटिन्यूअसली हमें थोड़ा सा 457 इसके बाद थोड़ा सा गिरता हुआ दिख रहा था, बट उसके बाद फिर से धीरे धीरे कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखें तो यहाँ पे ग्रो कर रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए यहाँ पे थोड़ा सा घटने के बाद फिर से अभी ग्रो करने की कोशिश कर रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरली वो प्रॉफिट होता है जो किसी भी स्टॉक का मेन बिजनेस होता है, उसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। तो देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब कंपनी का जो मेन बिजनेस है उससे उसे मुनाफा आ रहा है। अब हम इन्वेस्टर्स की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे प्रोमोटर्स के पास अगर आप देखो तो 74.66% की हिस्सेदारी है। यहाँ पे उन्होंने सितंबर 2020 के आसपास 0.03% की हिस्सेदारी घटाई थी, बट उससे कुछ खास फर्क उन्हें पड़ने वाला है नहीं। FIS के पास देखिए यहाँ पे 5.14% की हिस्सेदारी थी, बट मार्च में उन्होंने 2023 मार्च में 0.04% की हिस्सेदारी यहाँ पे बढ़ाई है। DIS के पास यहाँ पे देखिए 9.59% की हिस्सेदारी है। पब्लिक के पास तो अगर आप बोलो तो कुछ खास हिस्सेदारी है नहीं, सिर्फ 10.33% की यहाँ पे हिस्सेदारी है। अदर्स के पास यहाँ पे 0.25% की हिस्सेदारी है। तो अगर फंडामेंटल वाइज मैं देखूं तो ये मुझे मतलब बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं, बहुत ज्यादा बुरा भी नहीं, मीडियम में मुझे ये फंडामेंटल्स के बेसिस पे मुझे ये लग रहा है। ठीक है, अब अगर मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाऊं, ये देखो ये जो वीकली टाइम फ्रेम पे जो ट्रेंड लाइन था ना उसे देखो, उसने ब्रेक किया है जुलाई 2023 के आसपास वीकली टाइम फ्रेम पे। एग्जैक्ट उसी ट्रेंड लाइन से देखो जहां से रिजेक्शन ले रहा था वहीं से वो रिटेस्ट कर चुका है प्राइस। अब प्राइस ऊपर की तरफ भाग रहा है। इस वीक में इसने ऑलमोस्ट
14% के आसपास का रिटर्न दे दिया, ठीक है। तो हमारी बाइंग कहाँ पे होगी? अगर मैं आपको बताऊं तो हमारी बाइंग दो एरिया पे हो सकती है, या तो हम इस एरिया के आसपास बाई कर सकते हैं अगर इस एरिया के आसपास आता है प्राइस रिटेस्ट करने, क्योंकि देखो ये भी एक छोटा सा रेजिस्टेंस था हमारे डेली टाइम फ्रेम पे, इस एरिया को देखो रिजेक्शन ले रहा था प्राइस, अगर इस एरिया के आसपास आता है ऐसे तो हम बाई कर सकते हैं, अगर इस तरीके से कुछ प्राइस एक्शन फॉर्मेशन होता है तो हम इस एरिया के आसपास बाई करेंगे और फिर ऐसे अपने टारगेट्स को ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट करते हुए चलेंगे, ठीक है। इस तरीके का कुछ पैटर्न दिखा तो बाई करेंगे, या फिर ये जो इसका हाई है ना 340 का, 340 को जैसे ब्रेक करेगा तब हम बाई करेंगे। तो हमारे जो इस पर्टिकुलर स्टॉक में दो टारगेट्स होने वाले हैं, वो मेरा पहला टारगेट होगा 367 के आसपास और दूसरा टारगेट होगा मेरा 401 के आसपास, जो आने वाले समय में मुझे दिख जाएंगे, मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। तो आज का जो हमारा दूसरा स्टॉक है वो है कोठारी पेट्रोकेमिकल्स। कोठारी पेट्रोकेमिकल्स को मैंने क्यों सेलेक्ट किया, अगर मैं इस स्टॉक का चार्ट आपको मंथली टाइम फ्रेम पे एक बार दिखा दूं कि ये कैसे कामकाज कर रहा था पहले, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से स्टॉक को देखो, ये जो इस स्टॉक का पर्टिकुलर हाई ये देखिए 4 के आसपास है, 2000 मतलब बहुत ही पुराना स्टॉक है एक्चुअली, मैं बोलूंगा ये ऑलमोस्ट 20-25 साल से ये मार्केट में है। तो ये 4 रुपए का ये जो देखो ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद देखो प्राइस उसी एरिया के आसपास कंसोलिडेट करके उसने हाई लगाया था नियर अबाउट 58 का हाई लगाने के बाद प्राइस कंटिन्यूअसली फॉल किया, और यही जो उसका पुराना 4 रुपए का रेजिस्टेंस है, जैसे कि मैं बोलता हूं कि जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक होता है और जब भी प्राइस उस एरिया के आसपास आके वहीं से बाउंस लेने का कोशिश करता है तो वो एरिया ऑफ रेजिस्टेंस एज अ सपोर्ट काम करने लगता है, और वो हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है उस पर्टिकुलर स्टॉक में बाइंग करने के लिए, ठीक है। तो अभी देखो ये जो एरिया ऑफ प्राइस था जो हमारा 36 से 38 के बीच में, जहां से वो थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश किया तो वहीं से रिजेक्शन लेके वो फॉल कर रहा था, उस एरिया का जैसे ही ब्रेकआउट आया यहां पे प्राइस ने फिर हाई लगाया नियर अबाउट 125 के आसपास का। अभी अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपका फंडामेंटल चेक करके दिखाऊं, ये देखो मार्केट कैप इसका बहुत छोटा है, 654 करोड़ की कंपनी है, स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे 12.6 का है, इंडस्ट्री पे 11.5 का है, एकदम नॉर्मल रेंज पे ही चल रहा है, अगर मैं बोलूंगा तो एवरेज ही है, आने वाले समय में इसमें पोटेंशियल दिख सकता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे देखिए 29.3% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे 21.9% का, जो कि बहुत अच्छी बात है। फ्री कैश फ्लो देखिए यहाँ पे 6.71 करोड़ का है, नेट प्रॉफिट एनुअली 39.2 करोड़ का है, नेट प्रॉफिट क्वार्टरली यहाँ पे देखिए 15.7 करोड़ का है, डेट टू इक्विटी अगर यहाँ पे देखिए तो 0.12 है, और कंपनी के ऊपर डेट सिर्फ 22 करोड़ का है, तो जो आराम से कंपनी पे कर सकती है क्योंकि उसका जो एनुअली प्रॉफिट है वो भी इससे ज्यादा ही है। प्रोमोटर होल्डिंग अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये देखिए 71.0% का यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग है, 71% के आसपास का प्रोमोटर होल्डिंग है। प्रोमोटर होल्डिंग चेक करने के पहले हम थोड़ा सा इसके क्वार्टर देख लेंगे। क्वार्टरली अगर आप देखो तो यहाँ पे देखो सेल्स यहाँ पे क्या चल रहा था, यहाँ पे धीरे धीरे करके इसके सेल्स ग्रोथ कर रहे हैं। मार्च 2022 में देखिए इसका सेल्स है 111 करोड़ का, और यहाँ पे देखिए मार्च 2023 में इसका जो सेल है वो 137 करोड़ का है। तो अगर मैं इस हिसाब से बोलूँ तो इसके सेल्स हमें बढ़ते हुए कॉन्स्टेंटली दिख रहे हैं, ठीक है। नेट प्रॉफिट भी अगर आप यहाँ पे देखो तो जून 2022 के आसपास यहाँ पे 3 करोड़ के आसपास का था, और जून 2023 में इसका जो नेट प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 16 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप यहाँ पे देखें तो कंटिन्यूअसली ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। अब अगर आपको मैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का चार्ट दिखा दूं यहाँ पे कोठारी पेट्रोकेमिकल का, आप एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखना, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल देके बताया था, पॉलिसी बाजार का एग्जांपल देके मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी कोई स्टॉक इस तरीके का राउंडिंग फॉर्मेशन बना के ऊपर जाने की कोशिश करता है ना, तो वो तो उसके प्रीवियस हाईस तक तो जाता ही है, और आने वाले समय में ना वो और एक तरीके से आप उसका टारगेट डिसाइड कर सकते हो। देखो जब भी कोई स्टॉक ऐसे ऊपर से फॉल कर रहा है ना, आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, ऊपर से नीचे तक वो जितना फॉल किया है ना, ये देखो ये इसका एरिया ऑफ हाई है ना, यहाँ से आप ये सिर्फ प्राइस रेंज लोगे ना, आप डाउन साइड तक मार्क करो, 70% इसने फॉल किया है। तो अभी ये जब इस एरिया तक पहुंचेगा ना, ये जो इसका हाई है, पहले तो इसको यहाँ से 140% का रैली देना पड़ेगा, क्योंकि ये 70% फॉल किया है ना, तो यहाँ से इसको ऊपर जाने के लिए 140% की रैली देनी पड़ेगी, वो तो वो देगा ही, और उसके बाद इस एरिया से वो 70% की रैली देगा, और ये हर स्टॉक में ये पैटर्न काम करता है, ठीक है। तो आने वाले समय में टारगेट तो इतना बड़ा है, 211 के आसपास का टारगेट है, बट मैं इतना बड़ा टारगेट आप लोगों को नहीं दूंगा, मैं एक वाजिब टारगेट आप लोगों को दूंगा। और अगर आप यहाँ पे एक चीज देखो तो ये देखो डेली टाइम फ्रेम पे ये जो एरिया था ना, यहाँ से ट्रेंड लाइन का एक रिजेक्शन आ रहा था बार बार, इस एरिया से देखिए प्राइस हमेशा रिजेक्शन ले रहा था। उसके बाद देखिए ये जो एरिया ऑफ रेजिस्टेंस था, यहाँ पे अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट दिखाऊं, ये देखिए ये जो एरिया ऑफ रेजिस्टेंस था ना, जहां से प्राइस एक बार रिजेक्शन लेके फॉल करने की कोशिश किया था थोड़ा, उसके बाद ऊपर गया था, तो यहीं से प्राइस ब्रेकआउट देके उसी एरिया के आसपास रिटेस्ट करके वहां पे थोड़ा सा सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था। बट जब भी अपने सपोर्ट के आसपास प्राइस रुकता है ना, और जब उसके सपोर्ट को ब्रेक कर देता है ना, तो जनरली पब्लिक वहां पे क्या सोचती है,
मेरे और आपके जैसे पब्लिक ये सोचेगी ना कि ये सपोर्ट ब्रेक हो गया है, मैं यहाँ पे निकल जाता हूँ, क्योंकि अब यहाँ से हो सकता है ये नेक्स्ट सपोर्ट तक आ जाए, यानी कि यहाँ से ये जो 57 रुपए से ये 36 रुपए के आसपास आ जाए। बट ऑपरेटर्स का यही माइंडसेट आपको समझना बहुत जरूरी है। आपने यहाँ पे निकल गए, बहुत अच्छा किया, क्योंकि आपने थोड़े से लॉस में आपने यहाँ पे अपना लॉस बुक कर लिया। लॉस बुक करना मार्केट में बहुत जरूरी होता है। बट जैसे ही ये प्राइस दोबारा इस लेवल पे रिक्लेम किया ना, इसी एरिया पे हमारा बाइंग बनना चाहता था, और उसके बाद देखिए प्राइस किस तरीके से भागा है। ये देखिए, अगर मैं यहाँ से प्राइस रेंज लगा लू ना, ये देखिए यहां से लेके ऑलमोस्ट प्राइस ने 70% का रिटर्न दिया है। ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ऑलमोस्ट 3 महीने के अंदर इसने 80% के आसपास का रिटर्न दिया है। तो इन चीजों को आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर लेवल ब्रेक होता है आप वहां पे सेफ एग्जिट लेके लॉस बुक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे एरिया रिक्लेम होना, एरिया रिक्लेम होने का मतलब जैसे ही वो एरिया जो प्राइस ये जो सपोर्ट था, ये सपोर्ट पे प्राइस दोबारा आके जैसे ही रिटेस्ट करके ऊपर जाने लगे ना, आपको उसी एरिया के आसपास बाय करना है और आने वाले इन टारगेट्स को एंजॉय करना है। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में मेरे जो आने वाले टारगेट्स होने वाले हैं वो होगा 134 का मेरा पहला टारगेट, और सेकंड टारगेट होगा मेरा 149 का। और आने वाले टाइम में मैंने जैसे बताया और भी ऊपर जा सकता है, बट वो आपके ऊपर है, आपको लेना है या नहीं लेना है, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है जो मैं आने वाले समय में इस पर्टिकुलर स्टॉक से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। याद रखिएगा कि ये कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए, साथ ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में मैं जो भी वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पे लाऊं आप लोगों तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच सके। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए टेलीग्राम चैनल पे मैं डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ इंट्राडे टाइमिंग में जो भी स्टॉक्स मुझे अच्छे लगते हैं वो मैं देते रहता हूं। जैसे देखिए आज मैंने IFCI दिया, IFCI एक्चुअली मैं कुछ दिन से उसको फॉलो कर रहा था और आज ये मुझे बहुत अच्छा लगा तो आज मैंने आपको दिया। अगर मैं IFCI में आपको एक सिंपल सिनेरियो समझा दूं ना, यहाँ पे IFCI मैंने क्यों दिया, आप IFCI का चार्ट को यहाँ से ध्यान से देखना, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम पे मैं इसे लेके चला जाता हूँ। अभी यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये जो एरिया है ना IFCI का, ये देखो यहां से ये ऑलमोस्ट 2007 के बाद से कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा था, ठीक है। 2007 के बाद से कंटिन्यूअसली इसने 16 साल का फॉल किया, और देखिए भी 2023 में ये इस एरिया को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो आने वाले समय में अगर मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक के सामने आपकी बात करूं ना, तो आने वाले समय में ये जो स्टॉक है ना, ये अच्छा खासा रिटर्न आपको दे सकता है। बट ऐसे छोटे स्टॉक्स में मैं जनरली आप लोगों को शेयर नहीं करता, क्योंकि ये थोड़े से रिस्की होते हैं। तो बस मेरा ये व्यू था, बस मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता था, आने वाले समय में ये जो हाइज है ये इसके टारगेट्स हो सकते हैं, मतलब आने वाले समय में ये अच्छा खासा प्रॉफिट बना के अपने निवेशकों को दे सकते हैं। पर जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, ये कोई बाइंग रिकमेंडेशंस नहीं है, पैसा आपका है, अगर आप रिस्क लेते हो तो रिस्क भी आपका होगा, रिवॉर्ड भी आपका होगा, तो अपने हिसाब से एनालाइज करने के बाद ही बाइंग करें। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, वंदे मातरम।